नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। साल 2019 की तरह इस बार भी लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटों पर जीत का जश्न मना रही है, पर अगर दोनों पार्टियों को देखा जाए, अगर उनके बीच के मंथन किया जाए उनकी सीटों पर, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों पार्टी की जो कमजोरी है वो दोनों पार्टियों का भीतरघात, यानी कि उन पार्टियों को अंदर से मार पड़ी है। अगर इन पार्टियों को अंदर से मार नहीं पड़ती तो ये पार्टियां उस नतीजे पर पहुंच सकती थी जिस नतीजे की ये बात कर रही थी, ये दावा कर रही थी। सिने जगत का बड़ा सितारा राज बब्बर गुरुग्राम से राव इंद्रजीत से मात खा गया। इस सीट पर कैप्टन अजय यादव जो थे उनको एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने राज बब्बर पर विश्वास जताया। इस पर कैप्टन अजय यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, राज बब्बर ने अच्छी फाइट की, परंतु यदि मैं यहां से गुरुग्राम से चुनाव लड़ता तो बेहतर नतीजे निकलते। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं अगर राज बब्बर की हार हुई है तो उसके पीछे जो है कैप्टन अजय यादव जो थे उनकी नाराजगी इसका कारण रही। अगर हार जीत के आंकड़ों को देखा जाए तो दोनों पार्टियों को आत्ममंथन करना पड़ेगा। वहीं अगर हम अंबाला की बात करें तो बीजेपी की बंतो कटारिया को कांग्रेस के वरुण चौधरी ने लगभग 50,000 से ज्यादा मतों से हराया। यहां पर ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां के लोगों की नाराजगी जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ी, और कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी है उसका जो इलाका, उसका जो एरिया रहा है नारायणगढ़, वहां से भी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं। भिवानी में अगर बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है वहां से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। वहां पर किरण चौधरी की जो नाराजगी थी उसका असर देखने को मिला। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो पार्टी के अपने नेताओं की नाराजगी यहां बीजेपी पर भारी पड़ी है। यहां पर भाजपा के प्रत्याशी रंजीत चौटाला को कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने 63,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। इसकी एक वजह निर्दलीय रंजीत चौटाला को बीजेपी में शामिल कर उम्मीदवार बनाए जाने से यहां का जो संगठन था वो उससे नाराज था। यानी कि दोनों पार्टियों में आपसी मनमुटावना रहता और बेहतर तालमेल रहता तो दोनों के लिए नतीजे जो थे वो कुछ और हो सकते थे। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी हिसार, सोनीपत, रोहतक, अंबाला और सिरसा की जो सीट है वो हार गई है। इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और अगर इन बात करें कि इसमें जो बीजेपी जो की हार है और उसके लिए कांग्रेस की बेहतर रणनीति जो जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो भीतरी कमजोरियां हैं ये भी उसका एक कारण रही है, वो भी इसकी वजह बनी है। यानी कि दोनों पार्टियों में आपसी मनमुटाव न रहता और बेहतर तालमेल रहता तो दोनों के नतीजे कुछ और हो सकते थे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो हिसार, सोनीपत, अंबाला, रोहतक और सिरसा सीट जो है वहां से बीजेपी हार गई है। अगर हार जीत के आंकड़ों को देखा जाए तो दोनों पार्टियों को आत्ममंथन कर पार्टी के अंदर की कलह को खत्म करना होगा। वहीं जो स्थानीय नेता है उनको अपने हित से ऊपर उठकर जनता की भलाई और पार्टी के हित के बारे में सोचना होगा, तभी मनचाही जीत उन्हें मिल सकती है। हरियाणा में 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा ने इस बार के चुनाव में पिछले 10 साल में सबसे खराब प्रदर्शन किया। 5 सीटें गंवाने के साथ भाजपा का वोट शेयर 58% से गिरकर 46.1% पहुंच गया। भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए जो दाव चला था वह उल्टा पड़ गया। भाजपा की हार में जितनी उसकी रणनीति जिम्मेदार है, हरियाणा में अति आत्मविश्वास ने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। जाटों की नाराजगी को पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया, उनसे जुड़ने की बजाय पार्टी उनसे दूर होती चली गई। हरियाणा की आबादी में जाटों की हिस्सेदारी करीब 27% है। भाजपा की रणनीति थी कि वह गैर जाट वोटों को गोलाबंदी से वह सभी सीटों पर जीत हासिल कर, मगर उसकी रणनीति फेल हो गई। जाट मतदाताओं ने भाजपा से दूरी तो बनाई, साथ ही दलित वोट भी पार्टी से खिसक गया। इससे पार्टी को अंबाला, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा सीट से हाथ धोना पड़ा। किसान आंदोलन की वजह से भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2019 से लेकर इस चुनाव तक 2 किसान आंदोलन हुए। इसे लेकर किसानों के एक वर्ग में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। उम्मीदवारों के चयन के स्तर पर पार्टी की सबसे बड़ी चूक हुई। चुनाव के दौरान कुछ ऐसे लोगों को टिकट दी गई जिसे स्थानीय कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सके।
हिसार, सिरसा और रोहतक के उम्मीदवारों को लेकर अंदर खाते ज्यादा विरोध था, मगर हरियाणा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस विरोध को दरकिनार कर दिया। सिरसा और रोहतक में सबसे बड़े मार्जिन से पार्टी की हार हुई। 3 साल से हरियाणा में काम कर रहे ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर पार्टी ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। सैनी जब तक कुछ समझ पाते पार्टी ने उन्हें सीएम बना दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सीएम सैनी के पास थी। यदि चुनाव के बाद धनखड़ को हटाते तो शायद नुकसान नहीं होता। अग्निवीर योजना से पूरे देश में गुस्सा देखा गया। इससे हरियाणा भी अछूता नहीं रहा। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में काफ़ी संख्या में युवक फौज में शामिल होते हैं। इस योजना से ग्रामीण युवाओं में काफ़ी नाराजगी देखी गई। विपक्ष भी इन इलाकों में मजबूती से इसे मुद्दा बनाए रखा।